सवात से इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां पर मदीन में मुबैना तौर पर कुरान शरीफ की बेहुरमती का वाकया पेश आ गया, जहां पर सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले शख्स मुलजिम मोहम्मद इस्माइल ने मुबैना तौर पर कुरान शरीफ के अवराक जला दिए। अवाम के मुश्किल होने पर पुलिस ने मुलजिम को थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि मदीन के अवाम ने पुलिस स्टेशन मदीन पर हमला करके पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिस पर पुलिस ने मुजाहरीन पर फायरिंग कर दी। अवाम ने मुबैना मुलजिम को पुलिस की हिरासत से जबरदस्ती निकाल कर सड़क पर घसीट कर मारने के बाद जला दिया। ज़राए के मुताबिक मुलजम सवात में सैर व तफरी के लिए आया था। थाना मदीन में अभी तक हालात कुशीदा हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें कि सवात से इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां पर मदीन में मुबैना तौर पर कुरान शरीफ की बेहुरमती का वाकया पेश आ गया, जहां पर सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले शख्स मुलजिम मोहम्मद इस्माइल ने मुबैना तौर पर कुरान शरीफ के अवराक जला दिए। अवाम के मुश्किल होने पर पुलिस ने मुलजिम को थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि मदीन के अवाम ने पुलिस स्टेशन मदीन पर हमला करके पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिस पर पुलिस ने मुजाहरीन पर फायरिंग कर दी। अवाम ने मुबैना मुलजिम को पुलिस की हिरासत से जबरदस्ती निकाल कर सड़क पर घसीट कर मारने के बाद जला दिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम सवात में सैर व तफरी के लिए आया था। थाना मदीन में अभी तक हालात कुशीदा हैं।